तो साल बाद गांव में इलेक्शन का बहुत ही तकड़ा माहौल बन रहा है। इस गांव में इतना तकड़ा माहौल 250 साल बाद आया है और इलेक्शन बहुत ही जोर शोर से चलेगा और सभी भाई बहुत मिलकर पैसा उठा रहे हैं। विपक्ष दादा मैं आपके प्रधानी का इलेक्शन लड़ूंगा। अपना काम ना है यो। अपना काम बनाना है यो। तुम तो हर बार ऐसा कह दो, कभी लड़न ही ना देते। इसमें पैसा खर्च बहुत हो लल्ला। पैसे की बात कहाँ आ रही है, राजनीति से काम लेना बिजनौर की राजनीति से। तुम समझो तो सही बात को, बिजनौरी राजनीति दिखानी है आज तो। दावत दावत पर इलेक्शन हो रहे आजकल तो। विपक्ष में कौन आ रहा? विपक्ष में वो आ रहा चिमटे वाला। या तो उसे बैठा दो, मैं नहीं बैठने को। मैं प्रधान नहीं जरूर लड़ूंगा, मुझे रुतबा बनाना है। वो चिमटे वाला? हाँ मानना ना है। अब नहीं मानूंगा क्या मैं? मेरा मन नहीं मानने का, मैं प्रधान नहीं लेऊंगा तो लेऊंगा। चल तो फिर लड़ ले। ठीक है, यही पूछना आया था मैं। हाँ भाई चिमटे। हाँ तू मेरे विपक्ष आ रहा, बता। मैं विपक्ष लड़ूंगा इलेक्शन में। तू? हाँ तू लड़ लेगा मेरी टक्कर में? मैं लड़ूंगा लड़ूंगा। कितना पैसा उठा रखा है ने? उठा दूंगा जितना भी लगेगा, हराऊंगा तुझे। लड़ेगा? लड़ूंगा। फिर आगे पीछे की सोच लिए। ठीक है, तू लड़ेगा सोच ली। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझको दे तू मिट जाने, खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। बहुत दादा चिमटा बैठना रिया ना मानने को तही विपक्ष मारिया बिल्कुल। चलो तुम चल तो फिर चल लो। हम चलो आओ बैठो। दादा प्रधानी मैं लड़ लिया। तू प्रधानी? तू लड़ लिया? कुर्सी किसे चाह रही? तू ये चाह रही तो है क्यों बैठा यहाँ बैठ? करो इससे बात। अब कौन था चिमटा? हाँ मैं हूँ दादा। मान्य ना तो लल्ला ही बस सोच ले यार, थोड़ी बहुत यार सोचू ना। लड़ूंगा लड़ूंगा। मान्य ना कतई? ना लड़ूंगा। थोड़ी बहुत हमारी उम्र भी देख ले, थोड़ी बहुत सोच ले हमारे उसमें यार। अरे मैं लड़ूंगा इससे, कह दियो आगे पीछे की देख लेगा। मैंने इससे कह दी, मैंने देख ली जो भी देखना, मैंने देख ली। अच्छा मान्य ना? ना मान्य। दादा फिर देख लेंगे हम क्या दिक्कत पड़ रही है। देख लेंगे इसे हम। चलो फिर। ठीक है चलो दादा, चलो फिर वोट मांगने चल रहे। चलो फिर। हाँ तखड़ा करना आपका काम करना तैयारी। हाँ चलो बस अब चलो फिर। चलो हाँ भाई। हाँ बाप को भेज। बाप से कम मान जाएगा तू? मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ लिया हूँ, मेरी फूकनी का ध्यान रखना। फूकनी का? हाँ चलो ध्यान रख लेंगे फूकनी का। ठीक है ठीक है। तो 4-5 दिन में इलेक्शन है, वोट फूकनी भी जाना चाहिए। चलो फूकनी भी चला जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। तो सारे वोट? हाँ सारे जाने भी लिया। वोट मांगने चल रहे फूकनी वाले, मांगते फिर वोट अपने। चल तो हम भी चल रहे। चलता चल। राम राम जी। राम भैया। राम राम। और सब ठीक ठाक है? हाँ। अबे ध्यान कहेंगे रखना बाल को चिमटे का। अच्छा चिमटे का इलेक्शन पे खड़े क्या? हाँ। चलो ठीक है ध्यान रखेंगे तुम्हारा। ध्यान रखियो। हाँ अरे काम करियो। हाँ, बताओ इलेक्शन में दारू मत पिलाइयो किसी को। ठीक है। क्यों पता? दारू पीने वाला वोट ना देता। ठीक है ठीक है। मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ लिया हूँ, ध्यान रखना मेरी फूकनी का। तो सुक्का रखा जा आगे ऐसे सुक्का। रंगीला मौसम रंगीला। तो कोई दिक्कत नहीं। रंगीला हो रही है बिल्कुल। सबके सबके पेटी की पेटी करवा दी। ध्यान रखियो। आओ बार रुक जा यार। भाई जी आ रहे प्रधानी पे, ध्यान रखना बिल्कुल फुल सपोर्ट से। हाँ फुल क्या है फूकनी वोट मिलेगा बिल्कुल। हाँ जल्दी निहार करके साथ भी। भाई जी तुम तो कोई बोलते ना हो क्या बात।
फुल सपोर्ट दो फूकनी को। तेरी फुल रात रंगील अपने वोट है अपने वोट। हाँ भाई ध्यान रखिए काय का चिमटे का। ठीक है प्रधानी पा रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक मत जाइए। ठीक है पूरा पूरा ध्यान रखना। ठीक है अगर कुछ सामान वान की जरूरत हो तो मिल जाएगा। ठीक है ठीक है जितने का भाई जितने का चुप बैठेंगे अभी आपके बीच नेताजी आएंगे आप सभी लोग उनके भाषण से सुनिए चुपचाप। जी गुरु जी जी गुरु जी राम राम बच्चों राम राम सभी बच्चों को हमारी प्यारी सी राम राम। बच्चों हम इलेक्शन पर खड़े हैं हमारा चुनाव चिन्ह फूकनी। सभी अपने घर जाकर फूकनी का प्रचार करें अपने माँ बापों से बताएं कि जाकर फूकनी पर विजय मोहर लगाएं। ठीक है जी नेताजी और हम आपके घर तुड़वा देंगे नए भी तो बनवाने हैं जी नेताजी। ये कैसे खड़ा करके गुरु जी इनकी दिक्कत है बैठाओ तो बैठाओ चलो भाई बैठो बैठाओ हमारे राज्य में सब खुश फुल व्यवस्था मिलेगी चार टाइम खेल का पीरियड। ठीक है नी अपने घर जाकर प्रचार करें फूकनी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो ठीक है याद हो गया चुनाव जी सुनिए सभी भाइयों को प्यारी सी सूचना ये फूकनी जो है 400 वोटों से आगे चल रही है और जो है फिर से चिमटा आया मैदान में और बराबरी की टक्कर पर होते हुए बराबरी की टक्कर इनमें धांसू चल रही है और तगड़ा कंपटीशन हो रहा है। इलेक्शन बहुत ही जोर शोर से चल रहा है और बहुत ही टक्कर तकड़ी हो रही है और ये फिर चिमटा और फूकनी बराबरी में आते हुए और ये चिमटा आगे निकल गया और ये फूकनी जीत में आती हुई और ये अभी वोटिंग शुरू चल रही है। भाइयों खतरनाक चिमटा हारता हुआ अपना मन उदास लेकर चिमटे वाली टीम अपने घर पहुंच जाए और ये फूकनी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। क्या हो गया क्यों मुड़ का आया चल चल बर्बाद हो गए बर्बाद। डीजे करवा दिया ना कसम पूरा पकड़ा पूरा बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल चलो तो भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।